हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है फिजिक्स की आत्मा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स। एक पार्ट मैं पहले इसमें डाल चुका हूँ, ये सेकंड वाला पार्ट है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको सबको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेबर, है ना। आप आंसर भी अपने हिसाब से मैच करते जाना और देखते जाना, है ना, मेरे साथ साथ आप आंसर देते जाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है। किसी कुंडली संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है, तो देखिए कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर। सेकंड है आपका कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपयुक्त सभी विधियों से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा बदली ज्ञात की जा सकती है। तो प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका आंसर है आपका लेंज के नियम से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है। इन चारों आंसर में से आपका कौन सा राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है, आपने भी इसका राइट आंसर दिया होगा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यानी कि खा वाला इसका आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो यांत्रिक ऊर्जा का होता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व किस पर निर्भर करता है, तो स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से आपने भी इसका आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर आएगा आपका घा वाला कुंडली में प्रवाहित धारा पर, है ना। सबसे इसमें जो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन है आपका, दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। तो बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर दो कुंडलियों के मध्य हम नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करें, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बढ़ता है, खा वाला इसका आंसर हो जाएगा। सेवंथ वाला क्वेश्चन है, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। भंवर धाराओं का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा धारा मापी को रुद्दोल बनाने में। भंवर धारा जब आप पढ़ते हैं और उसमें जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें उपयोग हम जब लिखते हैं तो उसमें हम एक उपयोग लिखते हैं धारा मापी को रुद्दोल बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आपकी स्क्रीन पर है, देखिए एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है, ठीक है। पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती का औसत मान कितना होता है, तो शून्य आंसर इसको होता है। सेकंड वाला है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान वी नोट तथा वर्ग माध्यमूल आरएमएस में संबंध। तो ये आप बहुत अच्छा सा एक डेरिवेशन करते हैं आपके सिलेबस में जब आप पढ़ते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खा वाला वी आरएमएस इक्वल्स टू 0.707 वी नोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक संधारित्र अपने में से क्या गुजरने देता है, तो एक संधारित्र जो है अपने में से डीसी को, एसी डीसी को, एसी और डीसी को, या सिर्फ एसी को, तो इसका आंसर हो जाएगा खा वाला सिर्फ एसी को। संधारित्र जो बना होता है सिर्फ एसी को गुजारने के लिए बना होता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटिन धारा होती है यदि परिपथ में, परिपथ में अपन क्या लगाएं कि आपकी जो धारा है वो वाटिन हो जाए, है ना। तो आपका जो चौथा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा केवल एल, है ना, केवल एल।